तो कैसे आप? इस टाइम तकरीबन 9 बज रहे हैं। वैसे तो मैं 11 बजे तक उठता हूँ, लेकिन क्योंकि कल मैं शाम को 7 बजे यूनिवर्सिटी से आके सो गया था, तो फिर मैं कल अभी उठा हूँ। तो 12-13 घंटे की नींद, वैसे तो मैं इतना नहीं सोता, लेकिन कल शायद ज़्यादा थका हुआ था इसलिए सो गया था। मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग थोड़ी चेंज है, बाकी की थोड़ी मॉर्निंग में होती है या फिर इवनिंग में। मेरी थोड़ी कोई दरमियान से यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है, 11 बजे तो मैं उठता हूँ, 12 से लेके हमारी क्लास स्टार्ट होती हैं तकरीबन 5:30 बजे तक। वैसे तो मतलब मेरा पहले एडमिशन हुआ था कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी में, तो मैं पहले सेमेस्टर में ही वहाँ से निकाला गया। मेरे 3 सब्जेक्ट फेल हो गए थे, उसके बाद वापस रिकवर करने का कोई चांस बचा नहीं था, तो फिर छोड़नी पड़ गई। तो एक ही बात है कि निकाला गया, छोड़नी पड़ी। खैर फिर मैं इधर आ गया। घर वालों की उम्मीदें पता है हमेशा से इधर होती हैं, क्योंकि मेरी बाजियों का GPA हमेशा 3.45 रहा है और मैं कभी इतना लाइक था ही नहीं शुरू से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इधर आया तो मेरा GPA 2.99 था। खैर घर वाले खुश नहीं थे क्योंकि 3 नहीं आया था, 2.99 था। तो यूनिवर्सिटी कल से फिर वैसे जो पिछले हफ्ते स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इतनी कोई खास क्लासेस नहीं हुई, तो कल सारे दोस्तों को पता चला, मतलब मैंने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की है, तो हर बंदा मतलब अपने लिहाज से मशवरा दे रहा था कि शुरू के व्लॉग हैं, थोड़ी स्क्रिप्ट बना लो, थोड़ी इक्विपमेंट चीज़ें ले लो, ये वगैरह सारा कुछ, या फिर बात करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है सारा कुछ। तो ठीक है, लेकिन शुरू के व्लॉग हैं, चलता है, मैं सीख रहा हूँ। इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास फ़िलहाल कोई, ना माइक है मेरे पास, ना ट्राईपॉड है, बाकी ये फ़ोन जिस तरह मैंने रखा हुआ है ये थोड़ा जुगाड़ सिस्टम है, तो सेविंग्स कर रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट महीने के स्टार्ट में माइक या ट्राईपॉड में से कोई एक चीज़ लाजमी ले लूँगा मैं। तो अभी यूनिवर्सिटी जाना से पहले नाश्ता बनाना है, क्योंकि घर में कोई नहीं है, पहले नाश्ता बनाएंगे उसके बाद। वैसे तो मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि सर्दी अभी बहुत है और ठंड बहुत लग रही है, इसलिए चाय बना लेनी चाहिए ताकि थोड़ी सर्दी कम हो जाए। अच्छा बन गया, अंडा उबाल लिया, चाय बन गई है, और अब ये बस दो स्लाइस पे मलाई लगानी है, बस जल्दी से तैयार होना और फिर यूनिवर्सिटी जाना है। आज फुटबॉल मैच था, लेकिन बारिश इतनी शदीद हो रही है कि मैच कैंसिल हो गया। गर्मियों में तो बंदा बारिश में खेल लेता है, लेकिन सर्दियों में तो बहुत मुश्किल होता है खेलना। और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एज यूजल कराची को, क्योंकि कराची से मैं बिलोंग करता हूँ, और अब हम कल जाएंगे ट्रिप पे। सऊदी शहजादा आ रहा है, अगर तो उसकी वजह से हमारे रास्ते ब्लॉक ना हुए और बंद ना हुए तो हम कल ज़रूर जाएंगे। तो मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉग होगा पीर चनासी का, ना हो सका तो फिर उसकी भी रिपोर्ट आपको दे देंगे।